मेरी स्क्रीन नजर आ रही ठीक है। तो हमने ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को देखा था, तो उसी पे हम फर्दर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये एक पैसेज है, ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि मुझसे आपने उस दिन मिस कर दिया था या जिन्होंने भी मिस किया था, तो असल में हमने एक पैसेज पहले प्रैक्टिस कर ली थी ट्रू फॉल्स के ऊपर, ठीक है। तो हमने स्ट्रेटेजी को देखा था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ट्रू फॉल्स के लिए हमें कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमने देख लिया था कि ये नॉर्डर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और हमें जो है ना सबसे पहले एनालिसिस अपनी अच्छी करनी चाहिए ट्रू फॉल्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि ना इसमें क्या होता है कि मोस्टली पैराफ्रेजिंग की हुई होती है, तो जब तक हमें वो चीज समझ नहीं आएगी कि वो किस तरह से पैराफ्रेज किया उन लोगों ने, वो सिनोनिम है, एंटोनिम है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ट्रू की बात करें तो ट्रू में एग्जैक्टली हमें वो मैच करना होता है जो मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर जो चीज है तो वो हमें पैसेज के अंदर भी एग्जैक्टली वो ही मीनिंग वाली चीज मैच करनी होती है, ठीक है, चाहे वो पैराफ्रेज की गई हो। लेकिन अगर मैं फॉल्स की बात करूं तो वो मुझे फिर इस तरह से होता है कि वो अपोजिट मीनिंग दे रहा होता है, ठीक है। तो इस वजह से हमें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड यूज किया गया है लेस, और वहां पे उसकी जगह पे मोर यूज किया गया है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स मैच कर रहे हूँ, लेकिन मोर और लेस का फर्क आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये फॉल्स में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें मीनिंग को देखना चाहिए, नॉट द मैचिंग वर्ड्स। जस्ट हमें वर्ड्स को मैच नहीं करना होता, उसकी मीनिंग को भी देखना होता है। और उसके बाद अगर नॉट गिवन है तो फिर हमें उसकी इंटायर स्टेटमेंट को देखना होगा कि अगर वो स्टेटमेंट पूरी ही, या तो कभी कभी नहीं गिवन होती, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन होता है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन है लेकिन वो उसको मैच नहीं कर रहा, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉट गिवन है, ठीक है। तो हमने ये कुछ टिप्स देखी थी, उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज भी की थी। आज फर्दर हम एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें क्वेश्चंस को देखना चाहिए इसके अंदर। तो जैसे से फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसको हम पढ़ लेते हैं। द कंट्रोवर्सी ओवर द मेथड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड हैज बिन सॉल्व बाय साइंटिस्ट। तो एक तो यहाँ पे मुझे जो कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है और मेथड, ठीक है, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड के लिए, ठीक है, हैज बिन सॉल्व बाय साइंटिस्ट। तो ये कुछ कीवर्ड्स मुझे नजर आए। अब हम वापस से आते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पहले समझ लें। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इस पे अपने पैसेज के ऊपर। तो हम पहले तो लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से हमें ये वाली चीज मिल सकती है। तो पहली लाइन से ही मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे पिरामिड की ही बात की गई है। उसके बाद आप देखें कि विच इज एक्चुअली ओनली 1/100 सर्वाइविंग पिरामिड्स, देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड का वर्ड था, वहां पे कंस्ट्रक्शन का वर्ड था, तो दे बोथ आर सिनोनिम्स। लेकिन हमें जस्ट वर्ड्स नहीं देखने, उसकी मीनिंग को भी देखना है। गिवन द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी ओवर 4000 ईयर्स अगो, बट साइंटिस्ट आर पीसिंग टुगेदर द पजल। यस, तो आप लोग इसको पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि इसकी मीनिंग मैच हो रही है वहां पे जो चीज थी, या इससे मैच हो रही है। यस, मैं एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ क्वेश्चन, ये देखें। जी, यहाँ एनी पे लिखा हुआ है ना कि हैज बीन सॉल्व, कि उन्होंने सॉल्व कर लिया, लेकिन उधर लिखा है कि वो जोड़ रहे हैं अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपने सही इसको गेस की, मतलब सही गए आप। तो आप मुझे बताएं वहां पे फॉल्स उस करेंगे मैम। जी बिल्कुल ये फॉल्स ही होगा, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ था कि वो कम्प्लीटली उन्होंने सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अभी आर पीसिंग टुगेदर द पजल।
ठीक है, मतलब उन्होंने कम्प्लीटली सॉल्व नहीं की, अभी वो वर्क इन अ प्रोग्रेस है, इस तरह से कह लें आप। सही, तो ये हमें इसकी जो है ना अपोजिट सेंस दे रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर है ये? ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ, इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट इजिप्टियंस कुड हैव ल्यूब्रिकेटेड पाथ्स टू एड ट्रांसपोर्टेशन बाय स्लेज। ठीक है, तो पाथ्स, ल्यूब्रिकेटेड पाथ्स टू एड ट्रांसपोर्टेशन बाय स्लेज। ठीक है, अच्छा मैंने स्लेज की मीनिंग देखी थी, तो हो सकता है कि वही हो। इसमें ये था कि कोई ऐसे जो मतलब वो नहीं होते व्हीकल्स जो कि मतलब किसी चीज को उठाने के लिए यूज होते हो, स्पेशली ना जो बर्फ वगैरह का की मतलब जिस तरह बर्फ के पहाड़ हो गए वहां पे वो वाले जो है ना व्हीकल्स यूज होते हैं। ठीक है, उनपे सामान मतलब जो भी हो लोड करके उनको एज अ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज किया जाता है। ओके, तो हम वापस आ जाते हैं इस पे। हाँ जी, यस, पहले तो आप लोग लोकेट करें कि कहाँ से इसको हम करेंगे सॉल्व। मैम ये जो लाइन है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल वाज ईदर बाय रिवर यूजिंग अ बोट और बाय लैंड यूजिंग अ बुलेट स्लैब। ठीक है, एक मुझे ये वर्ड नजर आए, लेकिन वहां पे जो इन्फॉर्मेशन थी वहां पे एड एड द ट्रांसपोर्टेशन की बात थी, और दूसरा ल्यूब्रिकेटेड पाथ्स कहा गया था ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नजर आ रहा है? नो मैम, ल्यूब्रिकेशन तो नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ थोड़ा आगे जाना चाहिए, इसका मतलब ये तो एक वर्ड तो आगे देखे। Yes, ma'am. It is believed that the sand in front of the sledge was wet with water in order to facilitate the movement of sledge and reduce friction. Yes, ma'am. It true हो जाएगा। ठीक है, और किस तरह से true होगा? आप थोड़ा explain कर सकते हैं? Yes, ma'am. उन्होंने कहा था कि ऐसा समझा जाता है कि कदीम मिस्री लोगों ने sledge का lubricate करते थे ताकि वो transport कर सके material को। तो यहाँ पे बताया गया कि लुब्रिकेशन जो है वो पानी से प्रोवाइड की जाती थी, पानी गीला करता था सहरा को और फिर जो है उसे ट्रांसपोर्ट करते थे ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कितने डिफरेंट वर्ड्स यूज किए गए और वहाँ पे कितने डिफरेंट, लेकिन हमें उसकी मीनिंग यहाँ से समझ आ रही है कि वही बात की गई है। ठीक है, तो ये जो है ना ट्रू होगा। ओके, उसके बाद स्लेड्स वर ड्रैग्ड बाय एनिमल्स नॉट ह्यूमंस। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान आसान लिखा हुआ है, स्लेड्स की बात की गई है और वो कह रहे हैं कि ड्रैग बाय एनिमल्स नॉट ह्यूमंस। ठीक है, तो मतलब ये वर्ड कुछ इंपॉर्टेंट सा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो वापस जाते हैं उस पे। हाँ जी, स्लेड्स की बात की गई है ना? Yes, ये फॉल्स होगा ना, the sleds were pulled manually or sometime by using beast of burden depending on the ease at which the sleds could move over the ground. तो ये क्या होना चाहिए? मैम उधर तो लिखा है कि सिर्फ जो है वो जानवरों से मूव किया जाता था, इंसानों से नहीं किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी है कि कभी कभी इंसान भी करते थे, कभी कभी जानवर भी करते थे, लेकिन ज्यादातर इंसान ही करते थे। सही, तो वहां पे
यस मैम, फॉल्स ही होना चाहिए फॉल्स क्योंकि होगा। दोनों बातें की गई ना, एग्जैक्टली फॉल्स होगा। मैनुअली और समटाइम्स बाय यूजिंग बीट्स ऑफ बर्डन, ठीक है, तो बीट्स ऑफ बर्डन मतलब एनिमल यहाँ पे का। ओके यस नंबर फोर, द रोमन्स लर्न द टेक्निक्स ऑफ मूविंग ह्यूज स्टोन्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियंस, ठीक है, रोमन ने लर्न किया था टेक्निक ऑफ मूविंग ह्यूज स्टोन्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियंस, ठीक है, दो बातें को बातों को हमने देखना है। रोमन का पूछा गया कि क्या उन्होंने लर्न किया था किस से, एंशियंट से, एंशियंट इजिप्टियंस से। ओके हाँ जी, मैम ये इधर लिखा है कि रोमन मूव स्टोन यूजिंग सिमिलर टेक्निक एट इजिप्शियन, यानी कि इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्होंने उनसे लर्न किया हो। बिल्कुल ठीक है, तो मतलब टेक्निक सेम थी लेकिन जरूरी नहीं है कि उन्होंने इजिप्शियन से ही से लर्न किया हो। बिल्कुल, अब यहाँ पे नॉट ये गिवन होगा, यस ये नॉट गिवन ही होगा, ठीक है, लेकिन हमें इसको yes. बिल्कुल आपने सही समझा है कि एंशियंट इजिप्टियंस की बात भी की गई है कि रोमन द रोमन मूव्ड स्टोन्स यूजिंग सिमिलर टेक्निक्स एट बालबेक। और अब देखें कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे किसी ए मतलब पोजीशन या आप कह लें कि एट जो होता है प्रीपोजिशन किस चीज के लिए यूज होता है, किसी प्लेस के लिए यूज होता है ना, ठीक है, नॉट अ पर्सन, तो इस वजह से अगर आप लोग ये वाला वर्ड देख के हो सकता है आप समझ लें कि ये कोई पर्सन को कर रहा है पॉइंट आउट, तो ये पर्सन को नहीं कर रहा, ये किसी प्लेस को कर रहा है, ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन के वो मतलब किस से सीखा था उन्होंने, ठीक है, तो ये नॉट गिवन होगा। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ ले क्योंकि थोड़ा ट्रिकी है। फॉल्स लग रहा था आपको, फॉल्स लग रहा था, ठीक है, और किस तरह से मतलब आप थोड़ा बताएं फिर मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करती हूँ। अब क्लियर हो गया, पता चल गया किस तरह। ओके, बिल्डिंग वर्क ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियंस इन अनराइवल्ड, अनराइवल्ड का मतलब होता है बहुत अच्छा, मतलब जिसका कोई मिसाल ना हो। यस मैम, राइवल तो मुखालिफ को कहते हैं ना, अनराइवल यानी कि जिसका कोई मुखालिफ ना हो, मतलब जिसका कोई मुखालिफ ना हो या फिर जिसका कोई मिसाल ना हो, इस तरह से भी कह सकते हैं ना, मतलब उस जैसा कोई ना हो, क्योंकि यहाँ पे जिस सेंस में लिखा गया है ना कि बिल्डिंग वर्क ऑफ एंशियंट इजिप्टियंस इज अनराइवल्ड, तो अब बिल्डिंग वर्क की बात की है ना, तो ऑब्वियसली वो उसकी अच्छाई के बारे में बात करें कि वो इतना अच्छा है या आला किस्म का कोई काम है। यस मैम वो तो ठीक है, लेकिन अनराइवल का मेन यानी कि सेंस ये ही बनती है कि आज दिन तक वैसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं सका, अनराइवल यानी कि उसका कोई मुखालिफ पैदा नहीं कर सका। ठीक है, आप मुखालिफ कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ बेमिसाल, मतलब एक ही सेंस है। यस मैम, देखिए मेरे नजदीक दो है ना, हर हर वर्ड का ना अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। अब देखिए मुखालिफ आप कह रहे हैं लेकिन हो सकता है कि कोई इस चीज को कुछ और सेंस में ले ले, लेकिन आप अगर इस तरह समझ रहे हैं तो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे लिए जो वर्ड था बेमिसाल मतलब ये मुझे सही लग रहा था। ओके यस, मैम ये दूसरा पैराग्राफ आ गया,
जी बिल्कुल, क्योंकि वहां पे हमने जो किया था तो यहाँ तक अब आगे जो बात की गई ना वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ओके तो यहाँ से ही हम देखेंगे। मैम, ये देखें, ये लिखा हुआ है ना कि फीट्स ऑफ बिल्डिंग वर्क विच हैव स्टिल नॉट बीन सरपास्ड पर्टिकुलरली गिवन द प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। यस मैम, ये वाली जो लाइन है विच हैव स्टिल नॉट बीन सरपास्ड, तो ये यानी कि ट्रू शो कर रही है। ठीक है, एंशियंट इजिप्टियंस अचीव द मोस्ट रिमार्केबल फीट्स ऑफ बिल्डिंग वर्क विच हैव स्टिल नॉट बिन सरपास। ठीक है, तो यहाँ तक हमें समझ आ रही है कि वही वाली बात की गई है। सही है, मैम ये ट्रू होगा? यस बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि एग्जैक्टली वही मीनिंग लिखी हुई है ना जो उधर थी। दोबारा मैं दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन क्या होने। यस क्वेश्चन पढ़ें। द बिल्डिंग वर्क ऑफ द एंशियंट इजिप्टियंस इज अनराइवल्ड। ठीक है, अब क्लियर है आपको? यस मैम, यस मैम, देख लो। ओके ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सम पीपल बिलीव दैट मैजिक मे हैव बीन यूज्ड बाय द एंशियंट इजिप्टियंस टू बिल्ड द पिरामिड्स। पहले तो इसका मतलब बताएं आप लोग मुझे। कुछ लोग समझते हैं कि जादू का इस्तेमाल किया गया था पिरामिड्स को बनाने में इजिप्शियंस की तरफ से। ओके ठीक है, अब हम आ जाते हैं पैराग्राफ के ऊपर। तो अब आप यहां से देखें। जी समझ आया? मैम ये जो लाइन है, देयर इज नथिंग रिमोटली मिस्टिकल और मैजिकल अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ट एज इज कॉमनली थॉट। इस लाइन के अंदर कोई सॉल्यूशन है, लेकिन मैं इसे एनालाइज कर। हाँ बिल्कुल, इसी लाइन के अंदर ही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे ना। क्या कह रही हैं आप? किस तरह से? ओके क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि कोई मैजिकल टेक्निक से उन्होंने बनाया था, और यहाँ पर लिखा है देयर इज नथिंग रिमोटली मैजिकल। उन्होंने उसको कंट्राडिक्ट किया है। अब देखें आप, अब जो मैंने आपको शुरू में चीज बताई थी कि जस्ट आपने वर्ड्स को देख के, मैम ये ट्रू होगा ना, यानी कि लोग बिलीव करते हैं ना, कॉमनली थोड़े जैसे आम तौर पे सोचा जाता है, यानी कि लोग बिलीव करते हैं कि वो उसमें कोई जादू यूज किया गया था। लेकिन अब मैं मुजना की कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि देखें, मुजना ने ये देखा कि नथिंग का वर्ड देखा एक। ठीक है, आपको यहाँ से लग रहा है ना रिमोटली मिस्टिकल और मैजिकल अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ड इज कॉमनली थॉट। अब इस पूरे वर्ड जो पहला वाला सेंटेंस का पार्ट है ना, उसकी मीनिंग को उलट करिए। कौन सी वाली चीज? इज कॉमनली थॉट, ऐसे ही है ना? यस मैम, जी जैसा आमतौर पे सोचा जाता है, तो आम हाँ लोग जी समझते हैं ना कि जादू इस्तेमाल किया गया था, ट्रू हो गया। बिल्कुल, मतलब ऐसा पहले ये कहा गया कि ऐसा कुछ मैजिकल है नहीं। अबाउट हाउ द पिरामिड्स वर बिल्ड इज कॉमनली थॉट, मतलब लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, और वहां पे भी यही बात थी। अगर मैं दोबारा आपको क्वेश्चन दिखाऊं, वहां पे भी यही बात थी कि सम पीपल बिलीव दैट मैजिक मे हैव बिन यूज बाय द एंशियंट इजिप्टियंस टू बिल्ड द पिरामिड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एक वो
मतलब फैक्ट कोई नहीं बताया गया, बस ये कहा गया कि कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं, तो वहां पे भी उसी सेंस में बात की गई है कि इज इज कॉमनली थॉट। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलें फिर आगे मूव करें। यस ओके ठीक है, उसके बाद ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट यूजिंग अ स्लेव लेबर। मैम जिस तरह से ये लाइन लिखी है, फर्दर स्टिल व्हाइल पॉपुलर बिलीफ इज दैट ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ड यूजिंग स्लेव लेबर, दिस थ्योरी हैज सिंस बीन डिबंक्ड। यानी कि लोग ये मशहूर है कि कौन स्लेव सी है, लेबर से कौन दोबारा पढ़िएगा कहाँ मैम ये से? वाली, फर्दर स्टिल व्हाइल पॉपुलर बिलीफ इज दैट ओके ठीक है, ग्रेट पिरामिड वॉज बिल्ड यूजिंग स्लेव लेबर। लोग यानी कि पॉपुलर बिलीफ ये था कि स्लेव लेबर का इस्तेमाल किया गया पिरामिड को बनाने के लिए। दिस थ्योरी हैज सिंस बीन डिबंक्ड, यानी कि इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ना बिल्कुल, डिबंक का मतलब होता है कि किसी चीज को डिस्क्रेडिट कर देना, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं की गई थी इसको, मतलब वो बिलीव तो था लेकिन उसके बाद ये लिखा हुआ ना, दिस थ्योरी ये हैज मैम बिन, फॉल्स होगा ना। ठीक है बिल्कुल फॉल्स ही होगा। जी मुझना आपको क्लियर है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप कुछ बोल रही हैं तो। ओके इट टुक मोर देन वन अटेम्प्ट टू गेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड्स राइट। कंस्ट्रक्शन की बात की गई और उसके अटेम्प्ट्स की बात की गई ना, इट टुक मोर देन वन अटेम्प्ट टू गेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पिरामिड्स राइट। ठीक है, क्वेश्चन की समझ आ गई? यस मैम। ओके तो अब ठीक है, आप पैसेज को पढ़ें। मैम ये इसका जो लास्ट लाइन है, द पिरामिड वर नॉट एन इंस्टेंट अचीवमेंट बट द अचीवमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर। यानी कि उन्होंने ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर जो है वो बना के चेक किया, तब जाके जो है ना हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो इसका मतलब है कि एक दफा के अंदर ही नहीं सही बन गया। ठीक है तो, और वहां पे क्या कहा गया था क्वेश्चन में? वहां पे यही कहा गया था ना कि इट टुक मोर देन वन अटेम्प्ट, तो ट्रू होगा ना, यानी कि एक से ज्यादा अटेम्प्ट लगे। ट्राई एंड एरर की बेस पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है चलें फिर, ये इतने ही थे क्वेश्चंस। फाइंड नंबर 8 इज ट्रू। ठीक है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा इसका नंबर 1 देखें, इट इज नॉट नोन एग्जैक्टली व्हेन बीटोवेन वाज बोर्न। यस हम यहाँ पे देखेंगे उसकी फर्स्ट लाइन के अंदर ही बताया मैम ये तो गया। स्ट्रेट फॉल्स है।
ठीक है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट डेट दी हुई है ना, तो वहां पे लिखा नॉट नोन। आहा नो मैम ये फॉल्स नहीं है, यानी कि वो पता है ना हमें एग्जैक्ट डेट पता है, तो उन्होंने लिखा इट वाज नॉट नोन। नहीं वहां पे लिखा हुआ है, एक मिनट में आपको समझाती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ। इट इज नॉट नोन एग्जैक्टली, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कब पैदा हुआ था, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको गौर से पढ़ें, इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप नियर, यस मैम नियर लिखो। अब देखिए yes, लिखा हुआ ट्रू हो गया ना, ऑन और नियर, तो अब एग्जैक्ट की तो बात यहाँ पे नहीं आ रही ना, तो वो भी बात यही थी कि उनको एग्जैक्ट नहीं था पता, यहाँ पे शक में बात की गई, या तो इस तारीख पर या इसके करीब तर कोई तारीख होगी। yes, मैंने बिल्कुल डेट देखता क्या हूं, तो मैंने जो है ओपिनियन दे ठीक है। तो ये थोड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम कभी कभी कर जाते हैं, तो इस वजह से पूरे उसको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रू होगा, ओके। नंबर टू इज इसका कोई मतलब बताए। Beethoven suffered cruelty at the hands of his father. अपने बाप के हाथों उसने जुल्म बर्दाश्त किया। ओके। यस, तो ये कहाँ पर होगा? मैम ये जो लाइन है, Beethoven's father began teaching him music with an extraordinary rigor and brutality that affected him for the rest of his life. जी, तो ये क्या होना चाहिए? मैम ट्रू होना चाहिए ना? ठीक है बिल्कुल ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ड्स डिफरेंट हैं, लेकिन रिगोर और ब्रूटैलिटी का मतलब यही होता है, ठीक है सही है, तो ये ट्रू ही होगा। ओके एंड थर्ड पढ़ी और इसका मतलब भी बताएं पहले मुझे। Beethoven was denied hours of sleep as punishment for poor गंदी परफॉर्मेंस देने के ऊपर उसे उसकी नींद में से कुछ घंटे निकाल लिए जाते, फिर डिनाई कर दिया जाता था। क्या वो कम सोएगा? ऐसे ही है मैम। सॉरी आप दोबारा बताइएगा। मैम पुअर परफॉर्मेंस देने पे उसकी नींद को कम कर दिया जाता था ना, यानी कि उसे सोने नहीं दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। Denied hours of sleep, यानी कि उसे कुछ घंटे नहीं सोने, यानी फॉर एग्जांपल वो अगर पहले 8 घंटे सोता था, पूरे परफॉर्मेंस के बाद उसे 4 घंटे सोने दिया जाता हो। हाँ जी ऐसे बिल्कुल। या बिल्कुल सोने ही नहीं दिया जाता था। हाँ मतलब आप मतलब उसकी नींद को कम किया जाता था या फिर सोने नहीं दिया जा सकता था। Denied hours of sleep, हाँ मतलब नींद पे उसकी, यानी कि उसे बिल्कुल सोने ही नहीं दिया जाता था। हाँ जी समझ, बिल्कुल सोने नहीं दिया जाता था। यस मैम, यानी कि डिनाइड आवर्स और स्लीप का मतलब ये है ना कि जो सोने के घंटे थे ना उन्हें डिनाई कर दिया जाता। फॉर एग्जांपल 8 घंटे सोता था, वो 8 घंटे अब सोएगा नहीं क्योंकि उसने परफॉर्म नहीं अच्छा किया। सही, चले ठीक है। तो बहरहाल हम अब इसको देख लेते हैं। यस, पहले तो कोई लोकेट करे। जी मुजना आप कर सकती हैं इसको लोकेट। यस मैम, ये वाला जो है ये लॉक्ड एंड सर्वर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप फॉर एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इसका मतलब ऑन योर डेली बेसिस बीटोवेन वाज फ्लॉज्ड Locked in the cellar and deprived of sleep for extra hours of practice.
यस यस मैम, ये ट्रू होगा ना क्योंकि वो डिनाई कर दिया ना उसके घंटों को। नहीं, ट्रू किस तरह से होगा? यस मैम, ये एक्चुअली वो परफॉर्मेंस की बात नहीं की गई ना मैम। क्वेश्चन नहीं तो वो दोबारा दिखा जी। परफॉर्मेंस की बात नहीं की गई, ये रोजाना का उसकी रूटीन थी। एक मिनट देखिए क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ये नाइट और स्लीप्स एज अ पनिशमेंट ऑफ तो यहाँ पनिशमेंट की बात की गई। yes, और परफॉर्मेंस की बात की गई है ना। तो yes, अगर हम चाहें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि उसकी नींद को किस वजह से खराब किया जाता था? प्रैक्टिस के लिए सिर्फ किया जाता था, उसका परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना बताया नहीं गया गया ना। तो नॉट गिवन होगा मैम। नॉट गिवन होगा। यस मैम, नॉट गिवन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? फॉल्स होगा जी, वो ही बचता है। लेकिन किस तरह से? अगर नॉट गिवन है तो आप लोगों को क्यों लग रहा है कि नॉट गिवन? मैम, नॉट गिवन इस वजह से लग रहा है क्योंकि पूरे परफॉर्मेंस का जिक्र नहीं किया गया क्या उसकी ये रूटीन थी रोज की कि उसने कम घंटे सुना। मैम, फॉल इस वजह से क्योंकि पनिशमेंट का जिक्र किया गया लेकिन वो किसी और चीज पे। ओके, मैं बताती हूँ, मुझे जो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है, नींद तो उसकी खराब हो रही थी ना, मतलब नींद को तो डिनाई किया जा रहा था, लेकिन किस चीज की वजह से? अब यहाँ पे वो एक चीज बता रहा है और वहाँ पे दूसरी चीज बता रहा है। यहाँ पे पूर परफॉर्मेंस और क्या बताया गया, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बताई गई। ठीक है, तो मतलब ये दोनों चीजें अपोजिट हुई। ठीक है, तो इस वजह से ये फॉल्स होगा। यस मैम, ये ठीक है। तो अब नॉट गिवन मेरे ख्याल से उस सेंस में होता जब एक्स्ट्रा या तो स्लीप की बात ही नहीं की गई हो, या फिर आप अगर जिस तरह हम इस कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं ना कि ये फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। अगर फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि डिनाइड आवर्स ऑफ स्लीप, मतलब उसकी पूरी की पूरी नींद को, और वहां पे कुछ ऐसा सेंस बन रहा होता कि वहां पे वो पूरी उसकी नींद को नहीं पॉइंट आउट कर रहा होता, उसकी नींद के कुछ चंद घंटों को पॉइंट आउट कर रहा होता, हो सकता है ना ऐसे? क्योंकि इसी तरह से ही फिर हमें क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है ताकि हम उसके डीप में जाके उसका मतलब समझ सके। सही है, बहरहाल इस वक्त तो ये फॉल्स ही है। ओके, एंड फोर्थ वन, बीथोवेंस फादर वाज आल्सो अ टैलेंटेड म्यूजिशियन, उसका बाप एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था। ठीक है, हाँ जी मैम, ये तो बात नहीं की गई ना कि नॉट गिवन। मतलब क्या कह रहे हैं आप, बात नहीं की गई? यस मैम, ऐसी लाइन तो कोई नहीं मिल रही ना इस चीज़ पर। ठीक है, टैलेंटेड म्यूजिशियन का बताया गया लेकिन उसके बाप के लिए नहीं बताया गया, उसके लिए बताया गया। ठीक है, तो ये नॉट गिवन ही होगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि एक वर्ड हमें यहाँ पे नजर आया है टैलेंटेड म्यूजिशियन, और उसका ये भी पता चल गया बीथोवेंस के लिए बात की गई, लेकिन हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन और हम आगे पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको फिर कोई किसी और चीज की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ से थोड़ा अंदाजा लगाना चाहिए कि अब आगे जो बात की गई जो दूसरा पैराग्राफ है वो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ से गेस लगा सकते हैं कि दिस इज नॉट गिवन। ओके, बीथोवेंस सिम्फोनी नंबर 3 वाज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस मैन। ठीक है, इसकी कोई एक सिम्फोनी नंबर 3 ये किस चीज को कहते हैं? म्यूजिक का कोई इसे सिम्फोनी मतलब दोनों मतलब
मैम धुन नहीं होती, धुन धुन सही, ठीक है। तो अब यहां से देखें, ये तो लिखा हुआ है सीधा सीधा कि यहां से हमें मिलेगा। मैम ये तो बात की गई है कि नेपोलियन के ऑनर के अंदर उसने सिम्फनी 3 जो है वो पेश की थी, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि इंस्पायर नेपोलियन से होकर की थी, तो नॉट गिवन होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और मुझना आपको क्या लगता है? ठीक, बिल्कुल इसका नॉट गिवन ही होगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, बड़ा जबरदस्त आप लोगों ने इसको समझा है कि नेपोलियंस के ऑनर की बात की गई यहाँ पे, और वहां पे उसको का उसमें लिखा था क्वेश्चन में कि उसने इंस्पायर्ड बाय अ फेमस मैन, ठीक है, वो हमें बताया ही नहीं गया कि उसने किससे इंस्पायर होके वो जो है ये वाली धुन बनाई थी या जो भी, या उसको गाया था। ठीक, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये जो है नॉट गिवन होगा। ओके, नंबर 6, मैं इन द अर्ली 1800 विद टू इन स्ट्रगल टू फॉलो कन्वर्सेशन, मुकालमा कर रहे हैं मुश्किल से पेश आती थी और मुझे टास्क हो स्ट्रगल टू फॉलो कन्वर्सेशन। ठीक है, मैम ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है बेथोवन स्ट्रगल एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी 1800 के अंदर आ गया ना जी, बिल्कुल 1800s लिखा हुआ था ना उधर, ठीक है। बेथोवन स्ट्रगल टू मेक आउट द वर्ड्स स्पोकन टू हिम इन कन्वर्सेशन से जद्दोजहद करनी पड़ती थी उन अल्फाज को बोलने में जो उसके उसके साथ कन्वर्सेशन में बोले गए। यस मैम, ये मेरे ख्याल से 2 होगा। ठीक है, और बाकी मुझना आपको क्या लगता है? ठीक है, ये ट्रू ही होगा। अच्छा, मैं देख रही थी कि ना टर्न ऑफ का जो मतलब होता है ना, दो दो सेंस में होता है, एक तो स्टार्टिंग को भी ये पॉइंट करा होता है, एंड को भी पॉइंट करा होता है। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि ये स्टार्टिंग को पॉइंट करे? मैम टर्न का मतलब होता है ना सेंचुरी का बदलाव, टर्न ऑफ द सेंचुरी। हाँ जी, तो बदलाव तो स्टार्टिंग में भी होता है, एंड में भी होता है ना। यस मैम, तो अब अर्ली 1800s की बात की गई यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ था कि टर्न ऑफ द सेंचुरी। अब इसका जो मुझे जो लग रहा था ना, एक चीज तो ये थी कि अगर मैं थोड़ा आगे गई हूँ तो मुझे ये वाला एक 1827 नजर आया, और उसमें उस बेचारे की डेथ हो गई है। ठीक है, तो अब जब यहाँ तक डेथ हो गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टर्न ऑफ की बात की है वो अर्ली 1800s की बात होगी, 1800 की। ठीक है, यस मैम, ये कंफ्यूज करने के लिए उधर लिख सकते थे एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो तब तक तो वो मर गया था, तो फिर वो जो था फॉल्स हो जाता, फिर वो फॉल्स होता या नॉट गिवन होता? एट द एंड ऑफ होता अगर, फोर्स होता, क्योंकि यहाँ पे ये स्टार्टिंग की बात करे और वो एंड की बात करे। नहीं मैम,
कौन सी नहीं इस वजह से होता, क्योंकि ये इन्होंने बात तो किया ना कि उसने स्ट्रगल की थी ये अल्फाज बनाने में, खाली उन्होंने एक वर्ड चेंज करके उसे फॉल्स कर दिया, बात सारी की हुई है ऐसे ही ना। मैं तो आपको क्या लग रहा है, नॉट गिवन होगा मतलब? फॉल्स होगा मैम अगर एट द हाँ एंड ऑफ लिखा होता ना। तो मैं भी यही कह रही हूँ ना, फॉल्स होगा। मैं मुझे लगा आप कह रही हो नॉट गिवन होगा। नहीं, मैं भी फॉल्स ही कह रही हूँ। चलें, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था ना, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। जी, एनीथिंग एल्स, कोई कंफ्यूजन हो इसमें आप लोगों को, या कोई और कोई क्वेश्चन हो? मैम ये वाला जो आपने आज एक्सरसाइज किया, ये इनहेरेंटली इजी थे या हमें करना आ गया सॉल्व? इतने इजी भी नहीं थे, मतलब काफी, शायद अब आपको सॉल्व करना आ गए। मैम बाकी सारे भी ऐसे हैं, यानी कि अगर ये सॉल्व करना आ गया तो यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया अब कर आप खुद देखें ना, सकते जब हैं। आप मुझे खुद बताएं, जब आप फर्स्ट डे पे कर रहे थे, मैं आपसे पूछ रही थी, तो आपको काफी वर्ड्स में मुश्किल आ रही थी ना। फिर हम जिस तरह यहाँ पे आप वर्ड्स खुद ही खुद उनको देख रहे थे, जिस तरह इंस्पायर का एक वर्ड था और यहाँ पे वो वहाँ पे पॉपुलर का वर्ड था, तो आपने खुद ही देखा, इनका डिफरेंस देख लिया ना। अब आप एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स को पॉइंट आउट करें जिनके सेंस को हमें देखना चाहिए। तो मेन चीज ही यही होती है कि अगर हमें ट्रिक आ जाए ना कि हमें इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन टाइप्स को सही तरह देखना चाहिए, हमें उस प्रैक्टिस करनी बिल्कुल। तो कल के लिए मैं सोच रही हूँ कोई, अब हमें ट्रू फॉल्स तो हमने काफी देख ली है, अब आप लोग अपनी ओन पे प्रैक्टिस करें फर्दर, तो कल हम कोई और क्वेश्चन टाइप करते हैं। तो चाहिए। आप लोग के ख्याल से कौन सा करना चाहिए अब हमें, क्वेश्चन टाइप? मैम ये रीडिंग तो हमने, ये वाला रीडिंग में सबसे मुश्किल मेरे ख्याल से यही होता है ना। हाँ, इसमें नहीं काफी होता है, मैम, मुझे लेकिन वो वाला फिल इन द ब्लैंक्स वाला तो नहीं होता, कंप्लीट द पैसेज वाला, ठीक ठीक है, वो भी कर तो सकते मुझे हैं। मुश्किल लगता है, तो वो हम कर लेते हैं, यस या फिर मैम वो आप, कर लेते हैं, कुछ करते क्योंकि उसमें मैम सेंटेंस में ग्रामेटिकल वे से भी सेंटेंस ठीक होना चाहिए, और इस तरह मतलब वो काफी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो वो गलत हो जाता है अक्सर। चलें, कल उसको मतलब समरी कंप्लीशन वाला टाइप जो था ना, यस मैम, यस, ओके, उसको देख लेते हैं फिर कल, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वीक तो हमने राइटिंग, सॉरी, रीडिंग को दे दिया, देन हम फर्दर राइटिंग पे मूव करेंगे। चलें, ठीक है, फिर अगर कोई सवाल है तो पूछें फर्दर, नहीं तो मैं सेशन एंड कर देती हूँ। मेरा तो नहीं। ओके, चलें, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप